साल था 1998, दिन था 16 अक्टूबर। एक फिल्म आई शाहरुख खान, एस राहुल, इसके अलावा टीना थी, रानी मुखर्जी, और उसके साथ अंजलि थी, यानी कि हमारी सबकी चहेती काजोल। तो राहुल, अंजलि, टीना, इन्होंने ऐसा धमाल मचाया इस फिल्म में कि फिल्म देखते देखते बहुत बड़ी हिट हो गई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, जैसे मैंने कहा। पीछे अगर आप देखोगे पोस्टर आपको नज़र आता होगा। नहीं, इसका नहीं, ये माफ़ करना, गलती से हो गया। ये देखो, कुछ कुछ होता है। तो ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और इसका सेलिब्रेशन भी हाल फिलहाल में हुआ था, जहाँ पर राहुल, टीना और अंजलि मिले थे। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, 25 साल हो चुके हैं इस फिल्म को। ये फिल्म करण जौहर की पहली फिल्म थी और जितना भी मास मसाला उन्होंने देखा था करण जौहर ने इतने सालों में, वो उन्होंने 24 साल की उम्र में इस फिल्म में डाल दिया। और ये फिल्म कई टुकड़ों में बनी है, अलग अलग फेज़ है। एक अलग आपको हंसाएगा काफ़ी, एक रुलाएगा, सलमान खान भी है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। तो एक गज़ब की फिल्म थी और ये पोस्टर देखकर बहुत अच्छा लग रहा दोस्तों। ऐसी नॉस्टैल्जिक फिल्में ना, जिसे 25 साल हो गया है, रिलीज़ कर देनी चाहिए। आप ऐसी फिल्मों को रिलीज़ करोगे थिएटर में ना, तो ऑडियंस एक बार रिलीव कर सकती है। इसे गदर रिलीज़ हुई थी कई सालों बाद, 22-23 साल बाद। तो कुल मिलाकर 25 साल हो चुके हैं कुछ कुछ होता है कि इस जर्नी को, और ये फिल्म अपने आप में बहुत हिट हुई थी। और इसके बाद करण जौहर ने केथी जी बनाई थी, कभी खुशी कभी गम, वो उसकी अलग कहानी है। बहरहाल मैं इसलिए फिल्म की बात कर रहा हूँ, कभी खुशी कभी गम, कि माफ़ करना, कुछ कुछ होता है कि, क्योंकि इस फिल्म ने मेरे दिल पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। इसकी हर एक चीज़ें आई थिंक हम सभी को याद थी, लेकिन एक डायलॉग जो सभी ने सीखा इस फिल्म से, वो डायलॉग यहाँ पे लिखा भी है, सेलिब्रेटिंग प्यार दोस्ती है। अगर आप ध्यान दोगे तो प्यार दोस्ती है, ये चीज़ें इस फिल्म ने सिखाई, और किस तरह से सिखाई वो बहुत अच्छा लगा था लोगों को दोस्तों। तो आप कितने खुश हैं, 25 साल हो चुके हैं, वो भी कुछ कुछ होता है को ज़रूर बताएगा। और ऐसी वीडियो एंड नहीं करूँगा, आपको सामने से वो पोस्टर दिखाऊँगा अच्छी तरह से शूट करके, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी। तो आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या स्टोरी है, आपने कभी ये फिल्म देखी थी, थिएटर में देखी थी, टीवी पर देखी थी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मैंने फिल्म टीवी पर देखी थी, और मैं बहुत बहुत सरप्राइज हुआ था। चाहे मिसेस बेगेंजा हो या जो भी कैरेक्टर्स हो, मुझे नहीं लगता कि मैं भूला हूँ, आप लोग भी भूलेंगे। चलिए आपको सामने से पोस्टर दिखा के इस वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद। ऑन पब्लिक डिमांड, प्यार दोस्ती है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। राहुल